Gracias. Yes. ठीक है वॉट एवर दे स्टार्ट करना हैलो एवरी वन आई एम सिमी करण यू पी एस टू थाउजेंड नाइनटीन रैंक थर्टी वन आई एम फ्रॉम द असाम मेघालय का एंड करंटली आई एम एन असिस्टेंट सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन तो so, विल we'll क्या क्या करें पहले एथिक्स थोड़ा बहुत बता देती हूँ जो तो बोलना है देन यू गाइज आस्क वॉट एवर यू वॉन्ट अकॉर्डिंगली तो एथिक्स जी एस फोर आई फेल्ट लाइक थोड़ा सा अप्रोच शुड बी डिफरेंट फ्रॉम दी अदर जी एस पेपर्स इन द सेंस कि किस तरह से आंसर्स लिखना है या वॉट काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स वी यूज एज अ लॉट मोर फ्रीडम कि हम क्या यूज़ कर सकते हैं या किस तरह से आंसर को प्रेजेंट कर सकते हैं तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट उसमें वॉट काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स डू वी ब्रिंग इन यूजअली जी एस वन टू थ्री में तो हमारे होते ही हैं स्टैंडर्ड कुछ इंटरनेशनल नेशनल एग्जाम्पल्स अपार्ट फ्रॉम दैट क्या हम ला सकते हैं तो वन थिंग आई यूज टू रेफर इज ब्यूरोक्रैट्स के एग्जाम्पल्स तो वी हैव अ लॉर्ड ऑफ ब्यूरोट डन वेरी गुड वर्क वी हैव पामे आम स्ट्रॉन्ग बहुत जनरल नेम्स वी नो दैट बट वॉट वी फेल टू डू इज इन नामों को हाउ डू वी मैच विद द एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ जो भी हमारे सिविल फाउंडेशन के वैल्यूज़ हैं सिविल सर्विसज के वैल्यूज़ हैं मेक अ लिस्ट ऑफ इट टेक वन नेम आमस्ट्रांग पा में वॉट एवर रोड बनाने के लिए एंड यू मैप इट कि अच्छा ही शोड दिस वैल्यू बिकॉज ऑफ दिस ही शोड दिस वैल्यू बिकॉज ऑफ दिस सो द मोमेंट यू रिवाइज ये वाला वैल्यू दिमाग में एक नाम आ जाएगा आमस्ट्रांग पा में तो ऐसे पाँच छः एग्जाम्पल्स हर वैल्यू के अगेंस्ट ब्यूरोक्रैट्स के रेडी कर लेना है नाउ वेर डू वी गेट दीज एग्जाम्पल्स एज सच तो न्यूज़ पेपर में आते रहते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट सिविल सर्विसज डे वगैरह पे पीपल आर फेलिसिटेटेड कुछ लोगों के स्टेट सर्विसिज वगैरह में कर्मयोगी कर्म श्री अवार्ड समथिंग होता है असम में समथिंग लाइक दैट तो दे कम इन द न्यूज यू जस्ट हैव टू नोट इड डाउन अगेंस्ट द स्पेसिफिक वैल्यू दैट्स वन थिंग एंड नॉट जस्ट कुछ अच्छा काम इन जनरल कोई स्कैंडस न्यूज गुड न्यूज बैड न्यूज रख सकते ट्राई नॉट टू यूज़ द बैड न्यूज़ एग्जाम्पल्स उसके अगेंस्ट फिर कोई अगर अच्छा काम कर देता है लाइक द कोल्ड स्कैम्प केस उसमें फिर अनिल स्वरूप वट एवर हिज रोल वॉज अनिल स्वरूप सर रोल वॉज दैट कैन वी यूज इज अ पॉजिटिव एग्जाम्पल टू ट्राई एंड सर्च फॉर पॉजिटिव एग्जाम्पल्स देन यू हैव हिस्ट्री ऑफकोर्स हिस्ट्री माइथोलॉजी महाभारत So, if you guys have time, um, like maybe people who are appearing for this year's mains may not have the time, but whoever has the time, um, Guru Das ki ek book hai, the difficulty of being good. That's a very good book that you can refer to for a lot of values, a lot of very small examples which can be fitted in in different places. So maybe if you can even find a summary of it, that would be great. Uh, that's one thing. Uh, apart from that again movies uh, i used to use a lot of examples from movies any movie that you fe fe felt like has touched your heart they make a great example and introduction for essays as well if you have a good example from a movie the life of a famous person um, your sports whatever whatever your interest is uh -huh, say if you can bring in examples and they make your example stand out so if your interest is let's say dancing and you have someone who's done really good example you can, who can dig out good examples that makes your answers unique so that's about the sources baki to general upne life say international national examples but what to do is make a list of your values make a definition ready and keep at least 10 12 examples for every uh, value ready so like immediately the moment i say empathy at least thus examples demark my hajj and current affairs okay so for example uh, there was a question ki three foundation three important most important civil service values so i had quoted empathy now what example did i use from the current examples current affairs uh, area was that time uh, wo hua tha ki, um, uh, there was this isroka um, uh, space launch which didn't go according to the plan and um, on a public platform, uh, the Honorable Prime Minister was consoling the chairman. So that example I brought in—that's empathy being shown at the highest of levels—and that was very current. And I'm 100% sure, not more than 0.1% of the people would have thought of this as a values example. So when you see any newspaper headline, just think briefly once if you can fit it in any value. That's that's one thing. Um, अगैन देन नाउ हाउ डू वी फ्रेम द आंसर्स आर मतलब स्टैंडर्ड किसी का भी आई हैड यूज लुक मान एथिक्स के नोट्स डायरेक्टली फ्रॉम द मार्केट आई हैड जॉइन द क्लासेज आई डेंट है टाइम यू हैव द टाइम यू वॉन्ट टू जॉइन अ क्लास यू कैन जॉइन अ क्लास बट किसी भी एक स्टैंडर्ड क्लास के नोट्स आर इनफ उस में देन यू हैव टू कीप पाइलिंग ऑन योर ओन एक्स्ट्रा मटीरियल सो वेन योर फ्रेमिंग एंड आंसर यहाँ पे एक बेनिफिट ये है कि अ लॉट ऑफ क्वेश्चन आर रिपीट मतलब यू प्रिपेयर फिफ्टी गुड एथिक्स के प्रीवियस ईयर के आंसर्स हाफ योर पेपर इज ऑलरेडी प्रिपेयर बिकॉज एटलीस्ट पाँच छः क्वेश्चन उसमें से रिपीट आएंगे तो दैट वी हैव टू यूज वेरी वाइजली एंड मेव टू कीप राइटिंग द सेम आंसर ओवर एंड ओवर अगेन रीस्ट्रक्चर इट सी कि टॉपर किस तरह से आंसर को लिख रहा है एंड अकॉर्डिंगली ब्रिंग इन योर इनपुट्स दैट्स अ मेंटल एक्सरसाइज दैट हैज टू बी डन नाउ हाउ टू फ्रेम एन आंसर लेट्स से देस अ क्वेश्चन ऑन वॉट इज इमोशनल इंटेलिजेंस so what are the components what i usually thought was ek you bring in a good definition that's standard so that has to be re remembered by heart next what i would do is agar kuch phrases hain that would fit in like kathni or si ho what is integrity something something so if there are hindi phrases there are any other language phrases that can be brought in दे विल मेक व वेरी गुड लाइक एक्स्ट्रा पॉइंटर विच अदर पीपल वुड नॉट राइट अगर याद रह जाता है तो दैट हैज टू बी रिमेंबर्ड ओवर एंड ओवर अगेन दैट्स वाई एम सींग वैल्यू वाइज जाना इज ईजीअर फॉर दार्ट ए वॉट एल्स उसके बाद लेट्स ए अकाउंटेबिलिटी तो अकाउंटेबिलिटी के कितने टाइप्स होते हैं वर्टिकल हो गया हॉर्जोंटल हो गया तो टाइप्स टाइप्स ऑफ इंटेग्रिटी पर्सनल इंटेग्रिटी प्रोफेशनल तो द नेक्स्ट सेक्शन दैट कम्स इज वॉट आर द टाइप्स इन दैट थिंग Uh, what would be the next? The next would be the examples again, sometimes they ask you specifically quote examples from civil service officers' life or they ask uh, general public general life. so there you have the uh, you have to bring in those, those examples otherwise you the examples use any examples. सो दिस इज ब्रॉडली द स्ट्रक्चर फॉर टेन मार्क का क्वेश्चन उससे ज़्यादा टाइम होता भी नहीं है एंड uh, मतलब इफ यू स्पेंड टू मच टाइम वेस्टिंग योर देन केस स्टडीज टू डेफिनेटली छूटते हैं अलॉट ऑफ पीपल आई न्यू हु कूड नॉट क्लियर इन माई अटैम्प्ट वॉज बिकॉज सडनली थोड़ा सा केस स्टडीज़ का पैटर्न चेंज हुआ था वे देवर मोर जनरल क्वेश्चन एंड मतलब वो जो इशूज़ वाले नहीं होते कि जहाँ पे कुछ करना है उसको हटा के देवर टॉकिंग आस्किंग क्वेश्चन लाइक पोल्टीसाइजेशन ऑफ ब्यूरोसी एंड दोज काइंड ऑफ उसमें तुमको पंद्रह बीस मार्कर uh, के भरने हैं तो थ्री थ्री एंड हाफ फोर पेजेस भरने होते हैं तो वहाँ तक लोग पहुँच ही नहीं पाए बिकॉज दे स्पेंड टू मच टाइम ऑन पार्ट ए सो इफ मोटामोटी दिस थिंग इज प्रिपेयर यो दिस सेक्शन इज मोर और लेस डन वेन वी कम टू पार्ट बी देर यू हैव टू स्ट्रक्चर आंसर वेरी वेरी वेल बिकॉज तीन पेज भरने हैं तो इफ़ यू गो इन अ हैपेजार्ड मैनर कोई ना कोई पॉइंट ज़रूर छूट जाएगा एंड देन यू विल लाइक इट वोंट हैव अ लॉजिकल फ्लो टू द आंसर बेसिकली सो केस स्टडीज नाउ केस स्टडीज आई थिंक अभी भी ऐसे ही हो रहा है ना दे आस्किंग वेरी वेग क्वेश्चन की इसको समझा दो एक्सप्लेन दीज टर्म्स और ऐसे दो चार सेंटेंसेस लिख के दे देता है अपार्ट फ्रॉम दैट जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन तो होते हैं कुछ सिविल सर्विस वैल्यूज़ पे होते हैं कुछ सोसाइटल इश्यूज होते हैं कुछ इंसिडेंट हो गया जिसमें सपोज कोई क्रैश हो गया है कोई um, दंगा हो गया है कोई फ्लड आ गया है देन वॉट इज द स्टेप्स तो दीज आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चन तो वॉट यू कैन डू इज पहले तो कैटेगराइज कर लो कि कितने टाइप के कैटेगरीज बनते हैं क्वेश्चन के आई रिमेंबर मृणाल के वेबसाइट पर ये बहुत अच्छे से ऐसे कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड था या फिर फॉर द सेकेंड अटैम्प दैट आई वॉज प्लानिंग फिर मतलब अगर मेरे को लग रहा था फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं क्लियर होगा दैट वॉज माई जनरल आइडिया थ्रू आउट द अटैम्प्टो आई वॉज सींग लुकमान के टॉप वो द स्पेसिफिक टू केस स्टडी उनके कुछ चार पाँच क्लासेज का होता है वेर यार क्लासिफाइड लाइक सोसाइटल इशूज़ पे होते हैं देन यू हैव लेट्स कोई इंसिडेंट हो गया वेरी हेफ टू टेक सम एक्शन यू आर सम एडमिनिस्ट्रेटर देन तीसरा हो गया सम सिविल सर्विस वैल्यूज़ पर जैसे पोलिटिसजेशन ऑफ ब्यूरोसी वगैरह जिसके क्वेश्चन अब बढ़ रहे हैं एंड फ्यू अदर एन्वायरमेंट हो गया ऐसे हो गए ना अब वैन यू सी द क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया कुछ कुछ लिखना है हम लिख तो देंगे फॉर श्योर ना वॉट वर्ड्स यू आर यूजिंग द की वर्ड्स दैट मैटर अब मेरे साथ शुरू में क्या हो रहा था आई वॉज राइटिंग एवरी थिंग स्टिल आई फेल लाइक इट्स अ वेरी जनरल आंसर मतलब कोई भी और ऐसा ही आंसर लिख रहा होगा तो व्हाट मेक्स द डिफरेंस कि वो मुझे एक मार्क दो मार्क तीन मार्क ज़्यादा देगा तो वॉट आई डिड वॉज जैसे सोसाइटल इशूज एनवायरमेंटल है से तो उसके दस पंद्रह की वर्ड्स का एक लिस्ट बना लिया जैसे ट्रिपल बॉटम लाइन अब मुझे कुछ याद नहीं है ना कि दो साल पहले का नॉलेज है तो पार्डन मी फॉर दैट बट ट्रिपल बॉटम लाइन प्रॉफिट प्लानट समथिंग समथिंग ऐसे कुछ कुछ होता था डॉक्ट्रीन ऑफ ट्रस्ट समथिंग समथिंग तो ऐसे दस पंद्रह बीस हर टॉपिक के कीवर्ड्स बना लिए एंड माई एंटायर रिविजन वुड स्टार्ट विद दिस कि मैं पहले तो ये पंद्रह बीस को रिवाइज कर रही हूं कि ये की मेरे दिमाग में बैठ जाए द मोमेंट आई सी अर क्वेश्चन ओके दिस इज दिस टॉपिक सोसाइटी का टॉपिक है मुझे ये वैल्यूज तो लेके आने कैर एथिक्स हो गया वट तो मैं या तो उसको इंट्रोडक्शन में फिट करूंगी या तो कंक्लूजन में फिट करूंगी या तो सजेशन में फिट करूंगी, तो करूंगी कहीं ना कहीं मैं फिट कर दूंगी तो ऑटोमेटिकली मेरे आंसर का क्वालिटी थोड़ा ऊपर बढ़ गया नेक्स्ट योर इंट्रोडक्शन नाउ इंट्रोडक्शन अगेन केस स्टडी में बहुत पीपल आर ऑफन कंफ्यूज कि क्या करना है क्या नहीं तो देन आई स्टार्टेड डूइंग दिस की याद डेफिनेशन तो मोस्टली काम नहीं करेगा तो अगर कोई करेंट इंसिडेंट है पहला तो मैं ये देखती थी कोई रिसेंट इंसिडेंट है जहाँ पे उसको ला सके तो वो कर देती थी या फिर देर सम सिविल सर्वेंट जिसने अच्छा काम किया हो उस रिलेटेड या वो क्यों उस क्वेश्चन का वैल्यू आया बिकॉज ये रिसेंट इंसिडेंट हो गया इसीलिए तो फॉर एग्जाम्पल पोलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोसी और सम अदर क्वेश्चन आई आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ वहाँ मैंने यही कोल्ड स्कैम केस से ही स्टार्ट किया था कि वाई आर वाई इज दिस टॉपिक रेलिवेंट हाँ करप्शन का केस है सम क्वेश्चन ऑन करप्शन आईड काइंड ऑफ इंसिडेंट कीप कमिंग अप एंड हेंस दिस क्वेश्चन बिकम्स रेलिवेंट दैन यू मूव ऑन टू द स्टेक होल्डर्स नाउ स्टेक होल्डर्स जब हम हो माइडेंटिफाई करते हैं हम थोड़ा ब्रॉड रखना है मेन बात यह है कि बाकी तो सब ठीक है बस थोड़ा ब्रॉड रखना है कि नॉट जस्ट पीपल हुआ डायरेक्टली अफेक्टेड लेट्स डिमोलिशन केस जो मोराडू डिमोलिशन हुआ था इन केरला वो लोग जो वहाँ से निकल रहे हैं उनका तो अफेक्ट हो ही रहा है बट लेट्स से जब वो ब्रेक करके गिरेगा वो बिल्डिंग तो आसपास के लोग भी अफेक्ट होंगे तो दे बिकम वन स्टेक होल्डर जो वी माइट इनिशियली मिस आउट तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी सम uh, छोटे छोटे स्टेक होल्डर्स uh, जो हम मिस आउट कर जाते हैं तो थिंग्स हैव टू बी टेकन केयर ऑफ नेक्स्ट यूजुअली ये होता है कि या तो वी आइडेंटिफाई द एथिकल वैल्यूज़ और डिलेमास और या फिर वो केसेस लिखा रहता है कि यू हैव टू डिस्कस द मेरिट्स डी मेरिट्स तो वॉट एवर इज़ द क्वेश्चन अकॉर्डिंगली यू मूव फॉरवर्ड अगेन देन वैन द सजेशन पार्ट्स कम दैट इज़ वेरी स्पेसिफिक टू द क्वेश्चन कि वो किस तरह से आगे बढ़ना है सो जैसे हमारे टाइम पर एक क्वेश्चन था ऑन फ्लड्स तो हाउ वुड यू अप्रोच लाइक कि फ्लड हुआ है एक जगह पे और यू आर एन एस डी एम ऑफ दैट एरिया एंड यू हैव टू सेंड अ टीम उन लोगों को रेस्क्यू करके लाने के लिए तो व्हाट इज द फ्लो यू वुड यूज इन राइटिंग द सजेशंस कोई आइडियाज कोई भी एनी आइडियाज हाउ वुड यू हाउ वुड यू अप्रोच द सजेशंस पार्ट किस तरह से हम मतलब व्हाट इज द स्ट्रेटजी हाउ वुड यू गो हेड एनीवन कुछ भी बोलो दिख रहे हैं ना मेंस इसमें काफी लो फिर भी कुछ भी बोलो एनीथिंग ठीक है बस इतना ही करोगेबल प्रिपेयर राइट राइट ठीक है ओके योर एरिया कहा भेजना है स्मॉल विलेज हमलेट दैट इज लेफ्ट आउट वहां भेजना है तुमको एक टीम एंड दिसम माइट भी डिमोटिवेटेड नॉट वॉन्टिंग टू गो डेंजरस एरिया है उनके रिस्क का भी फैक्टर है बिकॉज पीपल माइड भी एंग्री की हम तक पहुंचे नहीं वॉट एल्स वॉट एल्स जाने वाले फ्लड में रोल मॉडल दोगे ना वो झंडा मारेंगे कि ठीक है मैं जा रहा हूँ अभी इतना वो मत करोगे मतलब चढ़ाई दोगे वॉट इज द फर्स्ट थिंग टीम ये द फ्लो इज इंपॉर्टेंट वॉट थिंग डन फर्स्ट वॉलबलीस वगैरह आइडेंटिफाई किया एम्यूनिटीज़ हमने आइडेंटिफाई किया बट टीम कौन सी टीम जाएगी वहाँ पर दैट्स द फर्स्ट थिंग यू आइडेंटिफाई सेकंड लेक यू सेट वॉट एम्यूनिटीज वॉट एवर वॉट एवर सर्विसज लेट्स हमको uh, I, सोच सकते हैं कि हमको वो कैरियर्स वगैरह लेना पड़ेगा इन केस कोई ओल्ड एज है हैंडी कैप्ड है उनको लाने के लिए थर्ड थिंग लेट्स दे गोदेयर Uh, you motivate them, of course. That's a very important factor. Uh, but motivation has to be very practical, very on the ground. Ki we are there to support you. Hum piche se rahenge, you go ahead. We will always be in communication with walkie talkie. So, different modes of communication in this place is very important because most standard uh, communications fail. Ho chuke so, whatever wireless, walkie talkie, whatever the standard protocol suggests, will Then, when you reach that place, दैन किसको रेस्क्यू करना है दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट हाउ डू यू कन्विंस डेम कि किसको रेस्क्यू करना होगा अगेन दिस इज़ अ रिमोट विलेज अ रिमोट हैमलेट यू नीड पीपल हु स्पीक इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज तो उस लैंग्वेज के लोगों को या तो वहाँ के लोकल कोई तुम्हारा कॉन्टैक्ट हो या यहाँ से जो रेस्क्यूड लोग आए हैं उनमें से किसी एक एबल बॉडीड पर्सन जो उनका लैंग्वेज स्पीक करता है उनको लेके जाना है वहाँ पे वैन यू आर ट्राइंग टू रेस्क्यू पीपल यू विल डू इट वन बाय बी पीपल हु विल बी स्ट्रेस्ड आउट कि मतलब हमको तो तुम छोड़ के ही चले जाओगे द मेन परिकॉज वील रेस्क्यू फर्स्ट ओल्ड एंड द डिसबल्ड एंड वुमेन एंड द चिल्ड्रेन सो हाउ डू यू कन्विंस दैम कि येस वी आर कमिंग बैक सो देर टू बी अ स्मॉल टीम हु स्टेज बैक विद दैम टू कन्विंस दैम कि वो लोग वापस आएंगे और हमको लेके जाएंगे समथिंग लाइक दैट सो हियर

दैट्स वन अप्रोच कि तुम रादर देन पूरी मॉप को कंट्रोल करो यू फाइंड लीडर्स साइड में बुला के उनसे बात करो टू रेड्यूसुएशन वॉट एल्स हाँ वाटर कैन के बाद फिर वो होता है ना हवा में फायरिंग वगैरह देन वो रबर पैलेट्स देन कमर के नीचे ये वो दैट ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट किस ऑर्डर में यू विल टेक एक्शन दैट ऑर्डर बिकम्स इंपॉर्टेंट इन अ मॉप वायलेंस के देन जो ये लीडर्स वाला था वन मोर एस्पेक्ट लेट्स वो कहां पर दंगा करे दट बिकम्स इम्पॉर्टेंट दैट माइट बी क्रिएटिंग अलॉट ऑफ ट्रबल टू अदर पीपल लेट्स वो रेल लाइन जनरली पटरी उखाड़ते हैं अग्निपथ वाले स्कीम में पटरी जला देते हैं पटरी उखाड़ते हैं यू हैव टू मेक श्योर दे फर्स्ट मूव फ्रॉम दैट प्लेस टू सम अदर प्लेस तो फर्स्ट स्टेप इन कन्विंसिंग की भाई कहाँ पे आके करो अपना एक्सप्रेस योर ओपिनियन यो नॉट योर तो दैट इज वन एस्पेक्ट ये एंड दीज आर मतलब ये ज्ञान मुझे सब सीनियर्स की टॉपर्स to की आंसर कॉपीज जितना यू विल सी द टॉपर्स आंसर कॉपीज की किस तरह से द क्वालिटी आंसर वंस एंड थोड़ा कोचिंग का मटेरियल वॉट जो हमने पढ़ा एंड uh, बाकी न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर न्यूज पेपर में वैन यू हैवर लेट अग्नि जैसे अग्निपथ वाला स्कीम वाले में जो भी इंसिडेंट हुआ वेन यू रीच सम लोकल न्यूज़ डोंट रीड द लोकल डोंट एवर मैं कभी जिंदगी में लोकल न्यूज़ नहीं पढ़ती थी बट लेट से कोई दंगा वगैरह से रिलेटेड लोकल न्यूज पढ़ा सी द किस ऑर्डर में उन लोगों ने एक्शन लिया किस वजह से लेट से अगर पुलिस इज अंडर स्क्रूटनी इन सम एरिया तो उन्होंने क्या चीज प्रोसीजियर फॉलो नहीं की बिकॉज ऑफ विच दे आर अंडर स्क्रूटनीट थिंग कैन बी ब्रॉट आउट इन योर आंसर दैट इज समिंग वट आर अदर दिस इज फॉर सम इंसिडेंट दैट है नारकोटिक्स बढ़ रहा है ड्रग अब्यूज बढ़ रहा है हाउ विल यू अप्रोच दस पार्ट वट टू बी डिमांड सप्लाई राइट तो वही किया था मैंने कॉलम बनाया था टिविल डिमांड साइड में ये कर सकते सप्लाई साइड में सम वेरी जनरल इश्यू एनवायरमेंट एनवायरमेंट का हो गया तो वॉट वॉट ऑल कैन बी ब्रॉट वॉट ऑल आर दस्पेक्ट्सिंगली इसके बेसिस ऑफ़ सब वर्ड्स वट काम एनवायरमेंट एनवायरमेंटल क्लाइमेट चेंज लेट्स से ठीक है पॉलिसी लेवल दैट्स अ गुड अप्रोच इंस्टीट्यूशनल वॉट एवर गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशनल मेथड्स की पॉलिसीज एक्ट्स फ्रेमवर्क्स जो हम लोग अडॉप्ट करते हैं ठीक है वॉट एल्स वॉट आर द <coughs> कुछ नहीं और बिहेवियरल 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 एस्पेक्ट फाइन ओके इन जनरल को एक पॉइंटर दिमाग में रखना जनरली केस स्टडीज में बिहेवियरल फिट हो जाता है कहीं ना कहीं बट बिहेवियरल भी जनरली गो वेरी नैरो हम बोलेंगे अच्छा ये जो लोग हैं जो पब्लिक है उनका हम बिहेवियल चेंज करेंगे व्हाट अबाउट द बिहेवियरल चेंज ऑफ योर ओन स्टाफ यॉट अबाउट द बिहेवियरल चेंज ऑफ पीपल Who might be complaining again? Malab, legit hai, unka, malab, they have a genuine complaint because of which they came, but they may not be able to empathize with the other group. Unka behavioral change. So you have to think of behavioral change of all these stakeholders. That's just one pointer, general pointer uh, case studies. answers What else? What else aspect? What other aspect? Long term, short term is one way of writing, accepted. But like just say we discuss institutional, behavioral, or head. टेक्नोलॉजिकल या कोर्स ये तीन चार चीज़ें ना दिमाग में रख लेना कि कहीं ना कहीं फिट इन हो जाएंगी केस स्टडी आंसर्स में फिट इन हो जाती हैं और ये चीजें हम मिस कर जाते हैं बिकॉज हम वन टू थ्री फोर करके लिखना चालू कर देते हैं अलॉट ऑफ पॉइंट्स गेट मिस इन दैट तो केस स्टडी के जब सजेशन पार्ट में आते हैं उनको थोड़ा स्ट्रक्चर करके ही लिखना शुरू करना अदरवाइज यू विल मिस आउट ऑन दी ऑर्डर और सम ऑफ द क्रूशल पॉइंट देन अगेन हाउ वट कुड बी अ गुड कंक्लूजन फॉर लेट से फ्लड वाला इशू वाला हो गया तुमने बचा लिया रेस्क्यू करके सबको वापस लिया वॉट वुड बी रिहेबिलिटेशन एक्सेप्टेड वॉट एल्स एग्जैक्टली तो हाँ प्रिकॉशनरी मेजर्स हैव टू बी कि फ्यूचर में नाउ यू नो दैट्स अ वलनरेबल एरिया टू रिस्क वलनरेबिलिटी मैपिंग वल्नरेबिलिटी मैपिंग ऑफ दीज एरिया जो लो लाइंग एरियाज है उनको पहले से मैप करके रख लो फॉर दूचर फ्यूचर रेफरेंस कि ये एरियाज आर वलरेबल जब भी कोई फ्लड फ्यूचर में आने का भी स्कोप होता है और द फ्लड सीजन अप्रोचेज रेस्क्यू दी डैट वे तो इधर पेट्स वन वे ऑफ कंक्लूज वॉट वॉट कुड भी अनदर वे ऑफ कंक्लूडिंग एन एनवायरमेंट वाला जैसे टॉपिक है मतलब सोसाइटी ओके सोसाइटी वाले क्वेश्चन में किस टाइप से मॉब वायलेंस ये वाले लिंचिंग वगैरह इस टाइप के क्वेश्चन में किस टाइप का या सोशल हार्मनी मेजर्स एग्जैक्टली तो मतलब जो मोहल्ला कमिटीज और वो सब जो होता है ना बिहेवियरल एस्पेक्ट दैट वी से मैं उसको पूरा लंबा चौड़ा कंक्लूजन में ही डाल देती थी ऐसे 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 करके हम ये ये करके इसको फ्यूचर में प्रिवेंट होने के लिए वो कर सकते हैं तो दीज पॉइंट्स मे बी यू डोंट नीड टू नेचुरली यूज ऑल ऑफ योर पॉइंट्स इन द सजेशन उनको कंक्लूजन के लिए भी रख सकते हैं फिर या तो कोई फेमस uh, पर्सन हो गया कोई आई ऑफिसर जिसने उस फील्ड में अच्छा काम किया हो तो मेजर्स टेकन बाई सच एंड सच आई एस ऑफिसर सच एज दिस 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 दैट मेक्स फॉर अ वेरी गुड कंक्लूजन वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट इज यूजली चेकर का यू नीड टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ द चेकर उसका ध्यान जाएगा इंट्रोडक्शन पे ब्रॉड ब्रॉड थोड़ा थोड़ा बॉडी बॉडी एंड देन कंक्लूजन तो सजेशन कंक्लूजन इंट्रोडक्शन ये तीनों पे तो पक्का ध्यान जाता है दोज हैव टू बी आई कैची

Uh, then you have to definitely give. If there is some course of action which is not going according to the fundamental values, then you have to give an explain. Otherwise, in general case, you don't need to. Possible or uh, sorry, sorry. पॉसिबल मतलब वही है ना कि व्हाट आर द पॉसिबल मतलब क्या क्या तरीके से किया जा सकता है एंड देन यू राइट मेरिट्स री मेरिट्स दो तो एक्सट्रीम तो लिख दो जो जिंदगी में कभी नहीं एक्सेप्ट करोगे ठीक है एक अपना अच्छा वाला सोच लो जिसको यू हैव टू जस्टिफाई एट ऑल कॉस्ट ठीक है एक थोड़ा सा बीच का वेग रख लो जहाँ पे एथिकल डिलेमा वैल्यू वगैरह कुछ हैम्पर हो रहा होगा देन यू पुट इन बट आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या ऐसे पॉसिबल वैल्यूज आर ज़्यादातर आजकल दे देर गोइंग वेरी वेग इन केस स्टडीज उसमें अच्छा और एक डिफिकल्टी दैट कम्स अप ना डेज इज पहले क्या था तीन चार पांच क्वेश्चन है यू नो हर क्वेश्चन का आंसर लिखना है अब लिख देता है इलेबोरेट डिस्कस फॉर टू एंड हाफ थ्री एंड हाफ पेजेस जब इलेबोरेट डिस्कस लिख देता है तब बहुत दिमाग खराब होता है कि यार मतलब हाउ डू आई अप्रोच कि क्या लिखू अब पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी भी तो लोग पूरे एसेज भी लिख सकते हैं वो तो नहीं करना है इन दोज केसेस यू हैव टू सॉर्ट ऑफ ट्राई एंड ब्रेक इट डाउन पहले मे अ जनरल डिस्कशन कि क्या पॉइंट्स लिखे हुए हैं देन यू एक्सप्लेन जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी वाले क्वेश्चन पहले व्हाट इज पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी क्या इंसिडेंट्स हो सक हो रहे हैं मे बी बिकॉज ऑफ विच दिस इज कमिंग अप कि दिस दिस काइंड ऑफ सी थिंग्स आर बींग सीन या ऐसा इशू आता है बिकॉज ऑफ विच दिस इज कमिंग टू द लाइमलाइट देन थर्ड में नो इट्स नॉट ट्रू कि हो रहा है एंड गिव द रीजन्स फॉर द सेम देन फोर्थ में देअर माइट भी सम केसेज जहाँ पे देखा जा रहा है देन बट वॉट सॉरी फोर्थ में वुड बी और सजेशन्स कि हाउ टू प्रिवेंट इफ इट इज़ हैपनिंग इन एनी प्लेस देन फिफ्थ में सम गुड कंक्लूजन तो ब्रेक डाउन खुद से करना पड़ रहा है दैट एक्सरसाइज टू बी डन बाय सो हमेशा स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करना ही है दैट्स सब में ही करना है मोटा मोटी आई आई रिमेंबर डूइंग इट इन एवरी क्वेश्चन एक्सेप्ट फॉर दैट पोलिटीलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी इसको करना ही है वॉट यू डू आफ्टर दैट वो मोनोटोनस नहीं होना चाहिए वो ध्यान में रखो कि एथिकल वैल्यूज सब में प्रॉबली नहीं आइडेंटिफाई करनी हूँ um, uh, कहीं कहीं पर uh, वो मेरिट्स डी मेरिट्स वो जो टेबल बना के डिस्कस um, uh, करते हैं कि इनके मेरिट्स डी मेरिट्स क्या हैं हर एक के एक वो फॉर्मेट हो सकता है बट स्टिल आई फील इवन दैट इज गोइंग आउटडेटेड दीज फिर जस्ट द काइंड ऑफ वर्ड्स ये आर यूजिंग एंड हाउ योर अगेन सजेशन पार्ट को किस तरह से लिख रहे हो कहीं पर डिमांड सप्लाई स्टाइल में लिख दिया कहीं पर ब्रॉड हेडलाइंस बन गए कहीं पर दर्डर बिकम्स इंपॉर्टेंट वो चीज़ों से होट्स नॉट गोइंग टू बी दैट हाँ मेरिट डिमेरिट अब अगर क्वेश्चन में यही लिखा है कि डिस्कस द मेरिट डिमेरिट्स ऑफ ईच ऑप्शन एंड गिव वट विच डू यू थिंक इज़ द बेस्ट ऑप्शन तो वहाँ तो बताना ही है वहाँ पर अगर मोनोट्रोनिक करना है ऐसे टॉपर्स के आंसर कापीज़ ढूँढो जहाँ पे के स्टडी के आंसर्स अच्छे लिखे हुए मेरट डिमेरिट के देखो क्या सेंटेंसेज यूज़ करते मैं तो वो सेंटेंस रट लेती अगर इसमें दिस दिस इज़ इन क्लैश विथ पर्सनल इंटेग्रिटी अगले वाले में पर्सनल इंटेग्रिटी ने ही कुछ और वैल्यू वर्ड यूज़ कर लिया इस तरह से करती थी बट आई सॉ ऑल ऑर ऑफ टॉपस आंसर कॉपीज जहाँ पे सेंटेंसेज अगर अलग तरीके से लिखी और उसको रट लिया सम केसेज येस सम केसेज नो हों जैसे जहाँ पे इंसिडेंट विंसिडेंट में वो डिस्कस करना है तो तुम्हारे तो पास बहुत कंटेंट रहता है तो उसके हिसाब से लिखते जाओ बट uh, कहीं कहीं पर एथिकल वैल्यूज लाने होंगे कि uh, जैसे जहाँ पे सिलेक्ट करना है ना कि मैं ये ऑप्शन करूंगा कि ये ऑप्शन करूँगा कि विच ऑफ दिन यू टू जस्टिफाई प्रॉपरली गिविंग ऑल दी एथिकल वैल्यूज़ इन It's not compulsory depending on the kind of Also, sometimes uh, what we miss out on is what is your role? When you are an SDM. I remember there was one question where I was the IPS officer. You were the IPS officer. Now, you generalistic answers that ge uh, uh, awareness campaigns and drives and uh, other go, governments' ke schemes yedin. That's not under him. He cannot do that. He can set up stuff like Mohalla committee. और जन सुनवाई समथिंग लाइक दैट दैट टूट समथिंग ऑन अट पुलिस वुड डू सो दैट थिंगज टू भी टेकन केयर ऑफ कि वॉट इज योर रोल वॉट इज योर पोजिशन इन दर की दैट थिंग एंड ऑल्सो लाइक फॉर एग्जाम्पल यू द एस पी ऐसे कोई कोई एक्सट्रीम वैल्यूज एक्सट्रीम चीज़ें लिख देते कि सी बी आई इन्क्वायरी करवा देंगे दैट्स नॉट ऑंडर यू कॉन्ट ऑर्डर इन एस सी आई इन्क्वायरी एज एन एस सो योर रोल बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट वॉट रोल वॉट एल्स लिख सकते हैं बट आई थिंक दिट फिट इन बेटर इन द कॉन्टेंट वाला पोर्शन बिकॉज वो थोड़ा एलेबोरेट हो जाएगा समझाना पड़ेगा एंड इट्स बेटर यूटिलाइज इन दिन इज वॉट वैल्यूज वैल्यूज शुरू में ही आइडेंटिफाई कर दोन आंसर में क्या लिखोग हो, हो जाता है ना You can. I would not suggest because you would not have content left main answer. me That's the point. Some current affairs, uh, some definitions, um, uh, कुछ uh, इस तरह से in general article numbers और वो सब quote कर दिया अगर उससे relevant हैं। ट बेस्ड गिवे एग्जाम्पल स्टडी का क्वेश्चन थाजुकेशन शुड भी कोर्ट बेस्ड में वॉट वॉज ओके आई वॉज नॉट वेरी स्ट्रॉग एटेड टू ऑनस्ट बट वॉट आई वुड डू इज सबसे पहले तो सचा क्वेश्चन लेट्स आई वु स्टार्ट विद वॉट

ओके हाँ तो लाइक यहां अ लॉट कि ई व्हीकल से डायरेक्टलेटेड एनवायरमेंट वॉट एवर डॉक्टर दुनिया के दस पंद्रह जो रटे होंगे वो सब फिट हो जाएंगे ठीक है जो पॉलिसी पॉइंट जो होंगे, होंगे उसमें आ जाएंगे देन वॉट विल बी ऑर पॉलिसी रेकमेंडेशन में थोड़ा -थोड़ा कहीं -कहीं आएगा एंड कंक्लूजन में आ जाएगा ना मेन पार्ट कम्स की क्या पॉलिसी रेकमेंडेशन दैट डिपेंड्स ऑन योर नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट की ई व्हीकल्स में अभी क्या क्या चल रहा है वॉट हैज बीन आर अप्रोच की बैटरी स्वपिंग है या क्या एमओ यूज अगर कुछ साइन हुए हैं uh, uh, जो जो हुए हैं किस विजन के साथ हुए हैं दो थिंग्स है जीएसटू जीएसर वैल्यूज यू विल ब्रिंग इन जो डॉक्टरी एनी थिंग रिलेटेड टू एनवायरमेंट एथिक्स वॉट एवर वैल्यूज यू विल ब्रिंग इन वो अगर शुरू में यू कैन आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन हाउ इट फिट्स इन द होल पॉलिसी दैट विल बी अ वेरी गुड आंसर विच डिस्टिंग योर आंसर फ्रॉम अ जीएस टू थ्री तो दोज वैल्यूज हैव टू बी रिमेंबर्ड एंड ब्रॉट इन मतलब वो बस लाना ही है किसी तरह से उनको उन वैल्यूज में या तो विजन स्टेटमेंट वॉट अवट डज यूज वॉट यूजअली कम्स इन अ पॉलिसी एक विजन स्टेटमेंट होता है एक तो तुम्हारे लॉन्ग टर्म क्या क्या अप्रोचेज रहने वाले हैं एक मीडियम टर्म क्या होने वाला है शॉर्ट टर्म क्या होने वाला है यूजअली एस टाइप का ही फ्रेम फ्रेमवर्क होता है तो विजन स्टेटमेंट में योर वैल्यूज हैव टू कम इन एंड दैट इज़ हाउ योर ड्राइविंग दीज लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म शॉर्ट टर्म मेजर and maybe in the end you have to again re-emphasize how whatever you are suggesting is in line with those values so that's how it will fit in with the whole gs4 what else some examples if you have where you are a first person go then you can do you can bring in your personal example ए डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ क्वेश्चन समटाइम्स इलेबोरेट विथ एग्जाम्पल्स स्पेसिफिकली बोला रहता है वहाँ पे यू हैव टू ब्रिंग इन मोर एग्जाम्पल्स मे बी एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स दिखाए तो एग्जाम्पल्स को बढ़ा करके समझाना भी पड़ेगा थोड़ा सा वेर इट इज़ नॉट रिटन आई वुड से सिक्सटी परसेंट कॉन्टेंट सिक्सटी सिक्सटी फाइव परसेंट कॉन्टेंट एंड थर्टी फाइव परसेंट ट सम ओके इन जनरल यूपीएससी ज्ञान है कि हमारे पास बहुत सारा कॉन्टेंट होता है दैट वी डोंट हैव अ प्रॉब्लम ऑफ कॉन्टेंट वी हैव प्रॉब्लम ऑफ फ्रेमिंग इट स्ट्रक्चरिंग इट एंड फिटिंग इट वेल एंड दैट ऑल डिपेंड्स ऑन य्स अगर वो स्किल शुरू में प्रैक्टिस भी नहीं रहती है एग्जाम हॉल में सडनली यू आर राइटिंग सो मेनी क्वेश्चन विद इन द टाइम फ्रेम वो पक्का प्रॉब्लम होता ही है यू नॉट एबल टू स्ट्रक्चर इटव कहीं पर ओवरफ्लो हो जा रहा है कहीं पर यूर स्पेंडिंग टू मच टाइम टू मनी वर्ड्स एंड फिर एक आंसर छूट जा रहा है तो दट थिंग हैज टू भी प्रैक्टिस बिफोर जितना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करफ इट्स नॉट नेक्सप्लेटलीट विद एग्जाम्पल्स तो नॉट टाइम वेस्ट होगा यू जस्ट लूज आउट ऑन जीएसपो नीड्स मोर लॉन्ग आंसर्स की मतलब थोड़ा फुल सेंटेंसेस लिखना ज्यादा पड़ जाता है कंपेयर टू वन टू थ्री जितना वर्ड सेविंग करोगे उतना केस स्टडी के लिए हेल्प <laughs> हाँ 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 एक तो पहले ये कर लो कि पिछले दस सालों में क्या क्या रोल्स आए हैं उनके तो पावर्स समझ लो मोटा मोटी रफली अपार्ट फ्राम देट लेट्स ए तहसीलदार आ गया वो आ गया बस ये याद रखना कि यार तहसीलदार रेवेन्यू के साथ डील करता है. So, so, yeah, है तो एनी थिंग विच कम्स आउटसाइड ऑफ रेवेन्यू मैटर्स कि यू से कि हम गवर्नमेंट स्कीम का बेनिफिट दे देंगे दैट वॉन्ट बर यू हैव टू स्टॉप योर सेल्फ फ्राम राइटिंग दैट या बी डी ओ है तो बी डी ओ डी विद स्कीम्स रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स तो स्कीम साइड से लिखोगी तुम तो ये नहीं बोलोगे कि मैं उनका लैंड के सारे मैटर्स सॉल्व कर दूंगा फील्ड लेवल uh, पे क्या क्या होते हैं आपके एस डी एम होता है डीएम होता है uh, ज्यादा से ज्यादा म्यूनसिपल कमिश्नर एक म्यूनसिपल कमिश्नर का तो समझ लो अच्छे से रोल क्या है क्या क्या लिमिटेशन एक्सेट्रा इतना डिटेल में जाना नहीं पड़ेगा इन जनरल बट जस्ट इन केस एक तहसीलदार होता है हु इज़ पार्ट ऑफ़ द रेवेन्यू सिस्टम ही डील्स विद लैंड ही डील्स की uh, किसी का uh, नाम बदली करना है जब लैंड सेलिंग वगैरह हुआ उनके लैंड रिकॉर्ड्स अपडेट करने हैं ऑल मैटर्स रिलेटेड टू लैंड वो करता है एंड इज द बीडीओ ही इज डेवलपमेंटल गए डील्स विद ऑल द डेवलपमेंटल स्कीम्स ही इज़ लाइक द लास्ट लेग ऑफ द गवर्नमेंटल हायरार्की जिसका डायरेक्ट कनेक्ट होता है पब्लिक के साथ तो ही डील्स विद मोटा मोटी याद रखने से हो वॉट एवर मनरेगा पीएमए वाई वॉट एवर स्कीम्स यू हियर इज बीडियो गाय कंक्लूजन देखो डिपेंड्स ऑन वो जैसे प्रिकॉशनरी एंड फ्यूचर के लिए जो मेजर्स है दैट इज अ वेरी गुड कंक्लूजन ट्राई दैट फर्स्ट If, um, that is not, ये सब कमिटी के जो सजेशन पहले यूज करते थे यहाँ पे सेकेंड ए आर सी वगैरह के जो एक एथिक्स वाला जो सेक्शन है उससे लाके एंड कमिटी का नाम लिख दिया दैट एड्स अ लॉट ऑफ वैल्यू दो होता है पार्ट um, वन में वेर टू टेक अ स्टैंड ऑल्सो कि मीन्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है या एंड ज्यादा इंपॉर्टेंट है दो उसका बैलेंस स्टैंड नो मैटर वॉट की ये भी है बट इन सम केसेज दिस दिस ऑल्सो अपलाइज बट लेट्स देर आर सम क्वेश्चन यू वॉन्ट टू टेक अ स्टैंड तो यू योर जस्टिफिकेशन और एक्सप्लेनेशन फॉर दैट पार्ट हैज टू बी वेरी स्ट्रांग वो क्लियर रखना है एंड देर आर 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 सब क्वेश्चन जिसको देख के तुमक रियलाइज होगा कि यू हैव टू टेक अ स्टैंड एंड इट्स नॉट नेसेसरीली रॉन्ग इफ यू टेक अ स्टैंड एज लॉन्ग इज यर जस्टिफाइंग दैट वेल बट गिविन दैट ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि मैं पूरी तरह से एक तरफ को बायसड होकर ही पॉइंट्स लिखूँ एंड दूसरे साइड का कुछ लिखू ही ना ट्राई टू ब्रिंग आउट दैट परसपेक्टिव एज वेल बट यू हैव टू एक्सप्लेन वाई यू फील लाइक दी योर साइड इज दन दैट यू वुड गो फॉर दैट दैट और कुछ इन जनरल एनी थिंग एनी थिंग रिलेटेड प्रेपरेशन के बारे में कुछ टाइम एंड मे सी इन एग्जाम हॉल आई यूज टू स्टार्ट विद केस स्टडीज माय पर्सनल प्रेफरेंस वाज दैट क्योंकि वो फ्रेश माइंड से अगर करो तो वो स्ट्रक्चर वक्चर सही से होता है वैल्यूज़ वगैरह ज़्यादा याद आते हैं एंड उसमें टाइम लगता है तो so, एक तो अगर बीस मार्कर है तो ट्वेंटी मार्क्स के हिसाब से जो भी क्वेश्चन का समय जितना होता था आई वुड नॉट एक्सीड दैट तो वो चीज़ तो फिक्सेटेड थी आई स्टार्टेड विद पेपर पार्ट टू एंड देन आई वेंट टू पार्ट वन आई रिमेंबर एक क्वेश्चन लास्ट में मैंने कुछ भी लिख दिया था वो वैसे ही वो कोर्ट टाइप का क्वेश्चन था feel like that I remember but there's just a 10 marker question I'm not losing out much there so that was my approach people uh-huh you definitely have to bring huh, you have to bring those in and not just from that, let's say means ends question hai, uh, uh, not just Kantian and all those views, but in general, um pe mythology link Krishna's point of view was this, Arjun's point of view was this. So those sides can also be brought in the oh, that has to be done. What else? Yes? बिग लॉन्ग सेंटेंसर इज समय छोटा सा पार्ट है इंडिया हैजॉन्ग हिस्ट्री ऑफ रिलेशन विद कंट्रीज इन रिसेंट ईयर्स वॉट यू थिंक इज द चेंज तो जो इंडिया हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ रिलेशन वाला सेंटेंस है आई वुड फर्स्ट अप्रोच दैट मतलब हाफ अ पेज थ्री फोर्थ ऑफ अ पेज फर्स्ट पेज मैं वो एक्सप्लेन करूँगी कि इंडिया का हिस्ट्री ये था वो चीज बहुत लोग मिस आउट करते थे दैट समथिंग यू डोंट मिस देन यू अप्रोच कि अच्छा अभी रिसेंट टाइम्स में ऐसे हुआ है या नहीं नहीं अभी भी कंटिन्यूटी है एंड देन यू राइट द कंक्लूजन तो वो वाला पार्ट तो मिस मत करना पहला चीज़ दूसरा चीज It is very important which GS paper you are writing. Just ki landslide ka question, it can come in GS1, uh, geography portion, it can come in GS3, jo, uh, disaster management wala question. So, approach alag Pehle wale mein geography hai, toh, uh, what are the ecological causes, what are the environmental causes, what are the human man made causes. Causes wala part. Scientific part, how it is happening, that part is important. Yaha how will you deal with it? That becomes more important. तो वो चीज़ें ध्यान में रखनी कि विच जी एस पेपर आर राइटिंग विच सेक्शन इज़ इट कमिंग इन लाइक ही एट की पॉलिसी like वाले क्वेश्चन में अगर एथिक्स का पेपर है तो एथिकल वैल्यूज लाने ही लाने हैं तो दैट इज़ वन थिंग दैट हैज टू बी ऑफ इसलिए मैं स्पेसिफिक जी एस वाइज मैं एक बार बता देती हूँ जैसे जी एस वन है तो इन जनरल हिस्ट्री में तो टाइम लाइन आई वुड ट्राई एज मच एज पॉसिबल जहाँ टाइम लाइन फॉलो हो सके इवन कॉजेज का इशूज़ का हर जगह टाइम लाइन पॉसिबल वहाँ पे भी था जोग्राफी में मैप्स लाइक जोग्रफी का क्वेश्चन आता था फर्स्ट थिंग आई वुड सी इज कहीं पे फिट इन हो सकता है क्या मैप इट वुड फिट इन वन और टू थ्री क्वेश्चन में तो आ ही जाता था दट समथिंग यू डोंव टू मिस सोसाइटी में द डेफिनेशन एंड द एग्जाम्पल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि द की वर्ड्स ग्लोकलाइजेशन एंड दोज काइंड ऑफ की वर्ड्स वो बहुत जरूरी होते हैं दैट समथिंग यू टेक केयर ऑफ यू में एक्ट्स मैं मेरे पास आर्टिकल नंबर्स की एक समरी थी एक्ट्स इंपॉर्टेंट एक्ट्स की एक सामरी थी पॉर्टेंट जजमेंट्स की एक समरी थी ब्रॉड um, पॉलिसीज uh, जो अगर कोई सपोज न्यू एजुकेशन उस टाइम पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी तब आई थी तो उसका जो मेन की पॉइंट्स है कमीशन के रिकमेंडेशन माहेंड ए आर सी ये वो सबसे समरी शॉर्ट समरीज बना के रखी थी पूंची कमीशन सरकारियाँ कमीशन सबकी शॉर्ट समरी बना के रखी थी एंड टॉपिक वाइज कि इस वाले सेक्शन पे ये बोला है इस वाले सेक्शन पे ये बोला है इस वाले में ये फिट इन होगा ये चीज़ एंड रिलीजियसली रिवाइज जब जी एस टू पढ़ने बैठे तो पहले तो ये सारा जो शॉर्ट समरीज बनाए उनको रिवाइज करना है दैट इज़ वन थिंग इसके अलावा लेट्स गवर्नेंस वगैरह के जो क्वेश्चन हैं उसमें जो जी एस फोर से लिंक काफ़ी अच्छा आ जाता है कि जो तो एग्ज़ैम्पल्स हम वहाँ यूज़ करते हैं सिटीजन सेंट्रिक समथिंग समथिंग वो सब के वो सब यहाँ पे भी यूज़ हो जाए तो देट इंटर लिंकिंग हैज टू बी डन इंटरनेशनल रिलेशन आई हैड माई ऑप्शनल तो मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं मानना पड़ा था बट स्टिल सीरीज ऑफ हिस्ट्री में एग्जाम्पल्स क्या रहे होंगे उस इशू के या सपोज uh, कुछ अभी रिसेंट में इंडिया चाइना के बीच फ्लेयरअप हो जाता है तो क्या कोई पास्ट इंसिडेंट रहे हैं सेम इशू फ्लेयरअप होने के और कहाँ कहाँ रहे हो सकते हैं दो थिंग्स तो दैट कैन बी ब्रॉट इन इन अ मैप वेरी नाइस दैट समथिंग इसके अलावा थ्री uh, में Uh, uh, एक तो मैं करती थी द कीवर्ड्स जो गवर्नमेंट स्कीम्स के होते हैं दैट इज़ वेरी वेरी नाइस तो मैं क्या करती थी कि जब भी जी एस वन टू वन में उतना नहीं हो पाता था बट टू एंड थ्री में इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में कोशिश करती थी जितना टॉपिक वाइज ही याद रख लूँ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप क्यू पी करते हैं तो एग्रीकल्चर हो गया एग्रीकल्चर में सर ने इतना सारा पढ़ा दिया बहुत सारे की वर्ड्स आ गए सारे की वर्ड्स से मुझसे याद नहीं होते थे एक तो समय बहुत कम था तो उसमें से मैंने दस की वर्ड्स रख लिए ये दस की वर्ड्स या तो मेरे इंट्रोडक्शन या मेरे कंक्लूजन तो पेज के फ्रंट में मैंने वो दस की लिख लिए थे फ्रॉम एन एग्री प्रेन्योर टू फ्रॉम एन फार्मर टू अ टूरी प्रेन्योर एग्रग्री ट्वेंटी टू द एक्सटेंट कि जब मैं जी एस थ्री के क्वेश्चन देखती थी आउट ऑफ द ट्वेंटी दस मैं दिमाग से ऐसे ही बता सकती हूँ अब भी बता सकती हूँ इंट्रोडक्शन क्या होगा तो दैट एक्सटेंट मैंने की वर्ड्स इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के प्रिपेयर कर लिए थे तो दिस यू कैन रन क्यू ई पी का सेक्शन वाइज ओनली कि एग्रीकल्चर के निकाल लिए दस Uh, इसके निकाल लिए दस उस तरह से उसके अलावा uh, uh, जो इंडेक्सेस होते हैं कोई इम्पॉर्टेंट इंडेक्स उस भी मुझे बहुत मेरे बहुत ज़्यादा नंबर्स फिगर्स याद नहीं होते थे तो मैं डर के मारे उससे भागने के लिए एज मच एज पॉसिबल एग्जाम्पल्स और की यूज़ करती थी तो वेर एवर यू हैव यू फील लाइक योर वी कैन वन पॉइंट यू ट्राई टू कॉम्पनसेटेड विद दी अदर तो वही ठंडा था तो uh, कोई इंडेक्स में अगर नंबर्स याद रह जा रहे हैं इंपॉर्टेंट ब्रॉड इंडेक्स में कहीं पे यूज़ कर सकती हूँ जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट और वो सब तो वो मैं याद कर लेती थी इंटर इंटरनल सिक्योरिटी सबका मैप वाइज याद था मुझे अगर uh, ये इंसिडेंट है नॉर्थ ईस्ट में तो नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन से स्टेट में क्या क्या कौन कौन सा कम, वो है एन एस सी एन ये वो वो अल्फा कहाँ पे एक्टिव है बोडो का कहाँ पे एक्टिव है दैट मैप वॉज रेडी अगर रेड कॉरिडोर है तो कौन कौन सा कॉरिडोर है कहाँ से पहले था कहाँ पे नया आया दैट वॉज रेडी इन अ मैप तो इंटरनेशनल इंटरनल सिक्योरिटी मोटा मोटी मैं हर जगह मैप से ही याद करती थी एंड हर क्वेश्चन में मैप घुसाने की कोशिश करती थी समथिंग आई एक्टिवली डिड डेड एल्स मोटा मोटी ध्यान में रख दी एनवायरमेंट यार एनवा कुछ ज़्यादा किया नहीं था मैंने बट uh, एक मुझे याद है जैसे टेक का क्वेश्चन तो हम करंट अफेयर से डील करने की कोशिश करते हैं बट uh, वो वाला क्वेश्चन आया था स्पेस स्टेशन इंडिया इज बिल्डिंग अ स्पेस स्टेशन उसके ऊपर तो व्हाट आर द एस्पेक्ट्स दैट यू कुड ब्रिंग इन की व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ इंडिया बिल्डिंग अ स्पेस स्टेशन दैट वाज अ मोटा टेक क्वेश्चन ही आया था में तो व्हाट आर द एस्पेक्ट्स यू वुड हां दैट्स व्हाई एक एक क्वेश्चन से लेट्स ट्राई फर्स्ट The uh, space station value question What aspect would you try and bring? Societal benefit, commercial benefit, and tricks. Yeah, that's one point. What else? Scientific. So you brought in scientific, you brought in commercial or economic, let's say. What else? Strategic, international. What else? Tourism. Uh, that's another aspect. एक्जैक्टली तो जो वे क्वेश्चन हैं, ट्राई एंड लिंक इट विद एग्जैक्टली जो भी तुम्हारे जीएस के पॉइंट्स हैं एंड उन एस्पेक्ट से क्या कुछ बेनिफिट मिल सकता है या कुछ अप्रोच हो सकता है ब्रिंग क्या था क्वेश्चन क्या था ये सब तो ला ही सकते एनवायरमेंटल आ गया एक टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट हो गया एक कमर्शियल हो गया यही पॉइंट्स वापस सब जगह आ जाएंगे वो भी है यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन दैट पार्ट एटलीस्ट एक्सप्लेन दिस पार्ट मुझे याद है मेरे टाइम में एक साइबर डोम आया था आई हैड नो क्लू साइबर डोम मतलब मैंने मेरे मैं को लाइक नॉट रत्ती भर का मैंने सुना भी नहीं था कभी वो वर्ड तो वट एवर साइबर सिक्योरिटी वाइज आई कुड रिमेंबर आई जस्ट डंप्ड इट ऑन द पेपर एंड आई फेल्ट आई ब्रॉट अ स्ट्रक्चर टू इट दैट्स ऑल आई डिड इन दैट आंसर क्योंकि मुझे और कुछ सूझ ही नहीं रहा था एंड इंसिडेंटली वेन आई वेट टू माई डिस्ट्रिक्ट आई रियलाइज माई ओन एस पी ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट वॉज द मास्टर माइंड बिहाइंड आपने बस हमारे मार्क्स कटवाए हैं यू आर सो प्राउड एक क्वेश्चन आया था तुम्हारे पेपर मेंगेटिव इफेक्ट like, no, we नहीं जाएगा इफ यू आर नॉट राइटिंग रैंडम स्टफ

एटलीस्ट दैट वॉट आई बैंक डॉन्ट होपफुली दैट वर्कड आई डोंट रिमेंबर दैट बट जी एस फोर काबर बट यू आर मैं आंसर वो शेयर कर दूंगी मेरे दो साल हो चुके हैं मैं सब भूल चुकी हूँ आईव नॉट रेड newspaper even once after I cleared my exam. So I am that disconnected with the world. You guys know much more than me right now. I only know about my district in Tespur, Thoda UPSC IS ka Sikhaya humko Academy. That's it. That's all my knowledge is at this point. For example, how would you write it? It has to be roughly close enough. More than 50% is acceptable for 60%. But you can't write, uh, let's say, wo, but, yeah. you just have to be at least close enough to it. Yeah. yeah. Uh huh? No. Don't do that. Don't do that with Supreme Court thing. कोर्ट के मैटर्स में इफ यू डोंट नो दी एग्जैक्ट थिंग अनलेस अब क्वेश्चन ही कोर्ट का रिलेटेड है वही जजमेंट के बारे में पूछ रहे हैं देन इट्स योर हार्ड लक बट ट्राई एंड अवॉइड डूइंग दैट एंड इसलिए जस्ट मेक अ लिस्ट ऑफ द मोस्ट पॉपुलर जजमेंट लाइक बहुत कम होते हैं ऐसे एक like, लिस्ट बना के मेन मेन पॉइंट लिख के रख लो ग डन फॉर लाइफ मतलब करने में भी एक मिनट विल विल स्टार्ट फ्रॉम देअर कम य एक मिनट लेट 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 हिम जी 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 ज्योग्राफिकल लोकेशन आई रिमेंबर मृणाल के वेबसाइट में देयर इज अ सीरीज ऑफ आर्टिकल्स इन ज्योग्राफी व्हिच वे दे हैव डिस्कस इट वेरी नाइस मतलब ऑलमोस्ट सारे जो क्वेश्चन है कॉटन इंडस्ट्री जो इंडस्ट्री हर इंडस्ट्री रिलेटेड दे हैव रिटन वन आर्टिकल एंड दे कवर्ड अ लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स अबाउट इट तो सी से मैंने शॉट दैट्स वेरी एग्जैक्टली इसीलिए मोस्टली मुझे जितना मैक्स मैक्सिमम मटीरियल मिला दैट वॉज फ्रॉम दी मनाल्स वेद एंड फिर मैंने टॉपर्स तो के नोट्स इधर उधर से किए थे बट दैट वुड भी इवन मोर बिखरा हुआ दैट्स बेटर ओके डोंट अंडरस्टैंड कि कुछ नया अमेंडमेंट आया है एंड हाँ 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 ठीक है ठीक है तो यू जस्ट गो वेन यूर रीडिंग दैट कि न्यूजपेपर में या आया पॉइंट पिक दैट अप शंकर में इमिडिएटली लिख दो साइड में जस्ट मतलब आई वुड कीप क्रॉस रेफरेंसिंग एज मच एज पॉसिबल जिस इमिडिएटली डू दैट करेक्शन देन एंड देयर ताकि फ्यूचर के लिए याद रहे क्या ट्वेंटी वेर आर यू गैस राइट नाउ मतलब बेसिक बुक्स पढ़ लिया है बेसिक बुक्स पढ़ लिया है ना आई थिंक अभी मोटा मोटी द टाइम इज ऑप्शनल एज मच एज पॉसिबल विथ योर आंसर राइटिंग एंड एवरी थिंग एंड जी एस के नोट्स सॉलिडिफाइड लेट्स ए वन डे बिफोर द एग्ज़ाम यू हैव ट्वेंटी फोर आवर्स अब ट्वेंटी फोर आवर्स से तुम पढ़ोगे नहीं लेट्स ए ट्वेल्व आवर्स यू स्टडी ट्वेल्व आवर्स में रिवाइज करना है योर अल्टीमेट एम शुड भी कि बारह घंटे में दो जी एस के पेपर रिवाइज करना है तो अगले दिन दो जी एस के पेपर यूर सोल एम इन वॉट एवर योर रीडिंग शुड भी कि उसको उस लेवल तक श्रिंक करना है फर्स्ट so रीडिंग में सपोज ढाई सौ पेजेस का बना तो उसको और छोटा करो और छोटा करो और छोटा करो तो उसमें आई यूज टू डू दिस की जो स्टैंडर्ड बुक्स है स्पेक्ट्रम वैक्ट्रम मैंने कभी नोट्स नहीं बनाया ना मेरे पास समय था तो आई वुड अंडरलाइन देन आई वुड गो फॉर हाईलाइट फिर एक पॉइंट ऐसा हो गया था जिसमें बक्से बना रही थी कि जस्ट दिस 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 वर्ड आई विल रिमेंबर लाइक चार वर्ड्स एक पेज पे दो वर्ड्स एक पेज उस तरह से आई वॉज मेकिंग बॉक्सेस यू टू कीप श्रिंकिंग द कॉन्टेंट दैट यू टू रिवाइज ब्रिंग इट टू अ वेरी कंसाइज दैट शुड बी दैट्स वॉट यू शुड वर्किंग एट राइट ना जस्ट टू मिनट्स एंड देन जब प्रिलिम्स के पास पहुंचेगा थ्री मंथ्स बिफोर प्रिलिम्स बिकॉज इट्स बिकमिंग वेरी वेक दिस डेज प्रिलिम्स पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना राइट सी आई वाज़ वेरी क्लियर फ्रॉम दी डे वन की मुझे इलेक्ट्रिकल नहीं देना है मल्टीपल रीजन फर्स्ट इज इलेक्ट्रिकल जैसा ऑप्शनल बहुत बड़ा होता है ह्यूज एंड उसको कवर करने में आई टॉक टू अबाउट इट एंड रियलाइज की इट इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम ओके फेयर दो तीन और पॉइंट्स आई एम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बट मुझे ज़्यादा नॉलेज इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट का है वॉट वी अप्रो वॉट दिन आई टी बॉम्बे इज हमारे वो जो पावर एंड वो सब वाला तो बहुत ही नेग्लेक्टेड पार्ट है इफ़ आई हैल मुझे वो उसको फिर खुद से ही प्रिपेयर करना then you have a very good knowledge base, not necessarily, I have a batchmate uh, cleared with her job from electrical, In Deha Banerjee, I think she took um, electrical, she was from IT Kharagpur, did a well, it's, it's a personal choice, I knew I didn't have the time, I didn't have the knowledge to go through it, I did all of my optional after prelims. So, तो उस टाइम अगर इलेक्ट्रिकल नहीं होती तो मेरा उस अटैम्प्ट में तो पक्का क्लियर नहीं हो रहा था दैट्स वाई ऐसे ओके बता देती हूँ मोटा मोटी मैंने कैसे किया था आई हैड टू डू इट इन अ वेरी शॉर्ट टाइम इंट्रोडक्शन हैज़ टू बी वेरी गुड वेरी वेरी गुड दैट क्रिएट्स एन ओवरऑल इम्प्रेशन जो बंदा चेक कर रहा है वो लंबा होता है जनरली पीपल नाइंटी मतलब फिफ्टी परसेंट ऑफ द टाइम एंड तक पहुंच नहीं पाते होंगे मुझे वो लगता था उस बंदे के साइकोलॉजी को सोचते हुए तो द इंट्रोडक्शन हैज़ टू बी वेरी गुड फॉर इंट्रोडक्शन के लिए मल्टीपल वेज आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू गो द जनरल डेफिनेशन वे फॉर मतलब यू इमेजिन योर राइटिंग एन एसे इट्स अ प्रोज उसमें जो फ्लो है uh, किस तरह से यूर पुटिंग योर थाट्स ऑन पेपर दैट बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट दैन डंपिंग कॉन्टेंट ऑन द पर्सन हु इज चेकिंग योर कॉपी तो वहाँ पे जनरली मेरा अप्रोच ये होता था कि या तो कोई फेमस पर्सनालिटी की लाइफ में कुछ हुआ हो जिसको मैं ला सकूँ um, या फिर जैसे ट्राइंग टू वीव अ स्टोरी ये स्टोरी वीव करने वाला इस टफ अनटिल एंड अनलेस यू प्रैक्टिस इट मल्टीपल टाइम्स तो मैंने एक्चुअल एग्जाम में यूज़ नहीं कर पाई थी देन एक हो सकता है कि यूजली um, ऐसे टाइप का बोलते हो कि इंडिया इज दिस बट ऑल्सो दिस इंडिया हैज़ दिस बट ऑल्सो दिस ट्राइंग टू ब्रिंग आउट दि कॉन्ट्रास्ट अगर उस टाइप का बन रहा है तो एंड दैट्स मतलब ब्रिंग इट आउट इन गुड लैंग्वेज गुड ब्यूटिफुल सिंपल लैंग्वेज मतलब आई डोंट सजेस्ट गोइंग फॉर वेरी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज बट ब्रिंग आउट अ गुड स्टोरी दैट एंगेजेस योर रीडर दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो वो चीज़ों के लिए अगेन सी वॉट आर द कैटेगरीज ऑफ डिफरेंट क्या बोलते हैं जो टॉपिक्स आजकल आते हैं एनवायरमेंट हो गया एथिक्स टाइप के हो गए एंड वॉट आर सम ऑफ द गुड Introductions that can be prepared and practice your brain. Like, I did very little proper answer writing on paper, but I actually did most of the time a very good amount of answer writing every night just by virtue of thinking it out. सपोज ऐसे सोच लिया कि ये देख लिया अभी समय नहीं है पंद्रह मिनट में देखना है ठीक है ठीक है इसे ऐसे इंट्रोडक्शन हो सकता था ये ये पॉइंट्स ला सकती थी लाइक डू दैट माइंड मैपिंग एक्सरसाइज की ये 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 मेरे पॉइंट्स हो सकते थे ये 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 मेरे सेक्शन हो सकते थे इस तरह से मैं इंट्रोडक्शन कर सकती थी इस तरह से कंक्लूजन इफ यू डू दिस एक्सरसाइज एवरी डे फॉर हाफ एन आवर फिफ्टीन मिनट्स जस्ट पुटिंग पुटिंग मसल मेमोरी और ये चीज़ आपको एक्चुअल एग्जाम में काम आएगी कि वेरी मोर स्ट्रेस्ड आउट इज की ओशिड इंट्रोडक्शन कैसे करें मई ब्रेन इज फ्रोजन ओ मैं तो कंक्लूजन नहीं सोच पा रहा हूँ तो मोस्ट ऑफ द टाइम आई जस्ट डेंट अ वेरी ऑटो मोड में एंड फॉर एसेज अगेन जो सबसेक्शन हैं उनका द हेडिंग हैज टू बी वेरी इंटरेस्टिंग रादर देन चैलेंजेस यू कैन राइट वेयर डज द रोड लाई अड फॉर द कंट्री इज दिस द एंड ऑफ रोड फॉर अस ये मुझे ऑफ टॉप ऑफ माई हेड वॉट आई एम लाइक याच पाथ शुड इंडिया टेक इस तरह से लाइक ब्रिंग दीज काइंड ऑफ हेडिंग्स एंड देन ट्राई एंड राइट द एसे बिकॉज दैट मेक्स इट फॉर अ मोर एंगेजिंग एस दैट्स इंपॉर्टेंट पॉल साइंस में आई वुड ट्राई टू स्टे ऑन दी थियोरी पार्ट मोर बिकॉज उस टाइम पे मुझे ज़्यादा वो नहीं आता था मतलब ज़्यादा करेंट अफेयर्स उतना अप टू डेट नहीं था बिकॉज आई वज लाइक आई आइट आई प्रिपेयर इन अ वेरी शॉर्ट टाइम बट टूडे इफ यू आस्क मी की वॉट बी द वन मन मेरे को लगता है जिसमें सबसे ज़्यादा ज्ञान है और जिसको लेट से कोई करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है पॉल साइंस में कोई करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है पीपल स्टार्ट अप्रोचिंग इट इन अ वेरी जनरल मैन यू पी यू जी एस टाइप का मैनर और की हाँ ये इंसिडेंट है दिस दिस इज हैपनिंग दिस इज वो नहीं चाहते वो दे वॉन्ट टू सी अर स्कॉलरली परस्पेक्टिव ब्रॉट इन कि अगर ये इंसिडेंट हुआ तो द लिबरल स्कूल ऑफ थाट वुड अप्रोच दिस इन दिस मैनर द सोशल स्कूल ऑफ थाट वुड अप्रोच दिस इन दिस मैनर दिस इज हाउ द कंटेंपररी स्कूल ये स्कूल्स ऑफ थॉट इफ आई कैन आई फील लाइक आई एम एबल टू ब्रिंग इन मोर इन अ क्वेश्चन तो मैं करंट अफेयर्स भी उठा You can do that. I not i to be honest, <laughs> but um, uh, I don't remember, yar. Sorry, <laughs> I'm not necessarily. If it is what is a parliamentary standing committee, I would start with what is a parliament, definitions, say, or the article numbers, or some judgment, some act. That's how I approach for G. Not necessarily current. Abhi karo, kya problem? Hai? You've read the basic book. That's a huge inertia, by the way. Ki, like I said, na, you don't feel like doing the entire answer, don't do it.

you will ultimately reach a point where you are able to write answers. three months to dina. start revision, start three months to dena. based on your attempt number also, but three months. okay, the uh, tests i was mostly scheduling on my saturdays and sundays. Uh, sundays, on my sundays to my saturday full day. वॉट एवर आई न्यू टिल देन ऑफ दैट जी एस मैं रिवाइज करती थी टू टाइम्स दैट वॉज माई फंडा कि अगर मैं कल जी एस फोर वन एंड थ्री कर रही हूँ जी एस वन एंड थ्री जो भी है वॉट एवर वॉज रन अपू माई एक्चुअल एग्जाम की मुझे एक्चुअल एग्जाम में जी एस वन एंड टू लिखना है एक दिन पहला होगा इसमें दस बारह घंटे जितने हैं उसमें रिवाइज करना है तो दैट वॉज ऑल्सो एक्सरसाइजिंग माई ब्रेन की फास्टर रिविजन किस तरह से हो सके टू एन एग्जाम सेंटर राइट द एग्जाम इन प्रॉपर जितना टाइम होता है तीन घंटा तो तीन घंटा लेके जाती थी प्रॉपर घड़ी uh, कितना समय उसमें मिलता है उतने के हिसाब से लिखती थी अगर कोई छूट जाए तो छूट जाए फाइन एंड देन गेट इट चेक नव चेकिंग के वक्त आई वुड नॉट रिलई टू मच ऑन वॉट देवर चेकिंग एंड या तो मैं ला के सर से चेक करवाती थी कि क्या बोल रहे हैं और आई वुड सी कि uh, ई वुड सी उस पर भी मैं ज्यादा रिलाई नहीं करती थी जो उनमें हाइएस्ट मार्क्स जिनको मिला है वॉट आर दॉट इज देयर आंसर की उसमें अगर कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं अगर मैंने कोई सेक्शन मिस किया है दैट आई वुड ट्राई टू सी एंड सेल्फ एनालिसिसफ्टीन डेज आई डेंट राइट एन लास्टीन दैट समथिंग आई थिंक आई वु

एंड एक मंथली मैगज़ीन तो आई वज रीडिंग विजन आई एस एस अपार्ट फ्राम आई वॉज रीडिंग न्यूज़ पेपर एवरी डे आई वॉज रीडिंग एवरी डे लाइक ए सैड मुझे मोर देन हाफ एन आवर नहीं लगता था कभी न्यूज़ मोस्ट डेज इट वॉज डन इन ट्वेंटी मिनट्स बिकॉज में फर्स्ट पेज एडिटोरियल वाले पेज और uh, उसके में जैसे इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन पेज होता है तो प्री और मेन्स के बीच में मैंने दो न्यूज़ पेपर पढ़े थे बिकॉज पी एस आई आर डिमांडेड दैट दैट्स नॉट नेसेसरी फॉर अदर ऑप्शन पी एस आई आर में मुझे स्कॉलरली uh, वो पॉइंट्स चाहिए होते थे इसलिए मैं करती थी But that's all that I read mostly. Other pages I would just skim through as quickly as possible. If there is acha example value, immediately write that down. But I would not use it for note making. That's solely to have my knowledge in place. And uh, reading newspaper just in general uh, gives you a lot of vocabulary, approaches to think, how to think of a word. Sometimes you have a very leftist approach to something.

या या मैंने बोला तो मैं अभी हाईलाइट करके मैं आधे घंटे अगर मेरे को एक बार एक घंटा लगा अगली बार मैं दस मिनट में रिवाइज करके क्योंकि मैं उसमें सिर्फ मार्क कर देती थी ना वट एवर रिमेंबर फिर जिंदगी में ऐसे ज्यादा नोट्स थे नहीं कि आई हैड वेरी लिटिल टाइम टू प्रिपेयर आई वॉज मोस्टली रिलाइंग फॉर माई मेन्स प्रिपरेशन ऑन क्यू वी पी िंग ना दट वॉज क्यू ई पी के नोट्स बिकॉज आई हैव आई जस्ट डोट है आई मेक एनी वो भी था अब अगर स्पेक्ट्रम है तो स्पेक्ट्रम में मार्क कर लिया शंकर आयुष में मार्क कर लिया ज्यादा नोट्स I नहीं okay. मैं उसी में जैसे क्यू ई पी में फर्स्ट टाइम जब मैं रिवाइज करूंगी मैंने अंडरलाइन करके किया मुझे एक घंटे से आधे घंटे पे पहुंची फिर उसी में मैंने हाइलाइटर से मार्क कर दिया फिर हाइलाइटर में छोटे छोटे बॉक्स बना दिए कि अच्छा सिर्फ ये वर्ड्स मुझे रिवाइज करने दैट वे डिपेंड्स ऑन हाउ मच टाइम डू यू हैव हाउ मेनी सोर्सेज यूर रेफरिंग या यू कैन डू देट नेक्स्ट वाले के लिए आई टेल यू किसके लिए जैसे ज्योग्राफिकली इट मेक सेंस कि आप सारे डाइग्राम मैंने डायग्राम सब एक जगह लाने की कोशिश की जैसे गवर्नेंस वगैरह जहाँ पे सोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड है वहां पर यू गो टॉपिक वाइज जो भी सिलेबस का क्वेश्चन है and then you start building notes that becomes your final notes thus चल जाएगा थी. integrate as in ठीक point is कि मेरे पास समय बहुत कम था prelims और mains की. तो वॉट एवर कंटेंट आई हैड प्रिपेयर फॉर पी एस आई टेल यू वेयर ऑल आई यूज इट सोसाइटी में मेरे सारे डेफिनेशन स्टॉप नॉच होते थे बिकॉज वी एनी वेज हैव टू प्रिपेयर दैट फॉर पी एस एग्जाम्पल्स सबसे करंट होते थे बिकॉज हमको वो सारे क्वेश्चन जो भी कम्युनलिज्म वगैरह इशूज होते हैं उनको करंट अफेयर से लिंक करना होता है देन यू गो वर्ल्ड हिस्ट्री वर्ल्ड हिस्ट्री कवर हो जाता है इस तरफ तो वर्ल्ड हिस्ट्री मैंने बिल्कुल बहुत ही नेग्लिजिबल पढ़ा था बिकॉज वहाँ से ही वर्ल्ड हिस्ट्री के पॉइंट्स आ जाते हैं देन कम्स जी एस जी एस टू जी एस टू में Uh, जो पूछी कमीशन जो भी कमीशन के रिकमेंडेशन थे देवर ओवरलैपिंग यहाँ भी यूज करती थी यहाँ भी यूज करती थी फोर्थ वे ठीक है देन आई आर आई आर टू बी ऑनेस्ट आई डिट प्रिपेयर एनी थिंग फॉर दी एस बिकॉज मेरा सारा जो भी पी एस आई आर का नॉलेज था आई वुड यूज योर बस ये करती थी कि अगर कोई स्कॉलर ने कुछ बोला है वो नहीं लिखूंगी बट कुछ इंसिडेंट हुआ है दैट आई विल कोट हिस्ट्री में कुछ इंसिडेंट हुआ है दैट आई विल कोट दैट एग्जाम्पल्स आई वुड ब्रिंग फ्रॉम देर कुछ डॉक्टर वगैरह ये सारे वैल्यूज फॉलो होते हैं तो दो वैल्यूज ऑटोमैटिकीड मोटा मोटी अगर um, जो भी रिसेंट इंसिडेंट्स चल रहे उस पर आर्टिकल आ जाए तो उनको पढ़ लिया इन जनरल कुछ एक एक दो अच्छा आर्टिकल मिल जाए ऑन अ डे लाइक हाँ मतलब लाइक ऑन अ डे आई वुड रीड वन और टू आउट ऑफ दो लाइक ओ आर एफ डिफेंस वो आई डी आर आई डी आर एक होता था उनसे मिला जुला के एक दो मैक्स बाकी इंडियन एक्सप्रेस में काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स आते थे दैट एंड अ फ्यू आर्टिकल्स फ्राम दिंदू सर एंड बाकी शुभ्रा रंजन के जो करेंट अफेयर्स के नोट्स थे लाइक एक वो देती है आफ्टर प्रिलिम्स एंड बिफोर मीन्स दैट आई वुड दैट आई वु टेन मार्क में यूजुअली आई ट्राई टू फिनिश स्टिल टू पेजेस थोड़ा अगर चौड़ा लिखना पड़े तो चौड़ा लिख के भले ही बट दैट विजुअल इंपैक्ट इज मोर बिकॉज इज जस्ट टू पेजेस जो थ्री मार्क मतलब जो फिफ्टीन मार्कर होते थे उनमें मैं थ्री पेजेस थ्री पेजेस भरते थे थ्री पेजेस फुल नहीं नॉट नेसेसरली टू एंड हाफ उस तरह से भी भरती थी कभी कभी बेस्ड ऑन हाउ मच टाइम इज लेफ्ट टूअर्ड्स द एंड यूजअली हो जाता है टू एंड हाफ टू वो मैं भरती थी पूरा नीचे तक लिख के मतलब ट्राई कि जितना नीचे तक आ सके ऑप्शन में अगेन यही प्रॉब्लम होता था मेरे साथ ज्यादा कि कॉन्टेंट ज्यादा है यू हैव टू स्क्वीज़ इन वर्ड्स एंड राइट इट उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन तो पूरा उठा उठा के ऐसे आते हैं कि रेडिकल फेमिनिज्म न्यूक्लियर डॉक्ट्रीन तो उसमें तो कंटेंट बहुत ज्यादा होता था तो मोर इशू आई हैड वाज स्क्वीजिंग इट इन दैट स्पेस बस हो गया है से

That is something that they are working, and then multi-state cooperatives. They directly if ifco, co If you've heard these names, they directly come under the registrar of cooperative societies, who is uh, generally a GS rank or an AS rank. They handle that that division. testing work, but uh, quite tiring because it's a lot of churn is there. I did more of brainstorming, but if I, I would suggest anyone and everyone who has more time to do more answer writing, proper writing, because उससे वो spacing वाला जो चीज़ था ना कभी ज़्यादा overflow गया वो हो गया, वो चीज़ लिख के ही पता चलती है। But I did more brainstorming because I had less time. एक शुरू में गिव हाफ एन आवर वन आवर वैन यू हैव टू स्टडी ऑल्सो एक्चुअल कॉन्टेंट बिल्ड करना है वॉट एवर यू आर रीडिंग ऑन अ डेली बेसिस उस पर एक दो आंसर लिखने का कर लो दैट्स वॉट आई वुड सजेस्ट बाद में तो यू कैन राइट फुल टेस्ट इट सेल्फ दो मतलब डोंट फोकस मतलब ब्रेन स्टॉम कर लो फिर फुल फुल पे टेस्ट लिख दो फुल टेस्ट में एनी वेज टाइम का भी प्रेशर पता चल जाएगा वेन यू राइटिंग वन आंसर यूजअली वो चीज़ पता नहीं चलता और कुछ इन जनरल आंसर राइटिंग वगैरह से रिलेटेड बस जस्ट स्टार्ट राइटिंग आंसर्स डोंट टेक टू लॉन्ग ये सोचते हुए कि मैं कब लिखूं क्या करूं दैट्स दैट्स नेवर गोइंग टू बी अ होली टाइम जब वो uh, आएगा बट यू हैव टू राइट आंसर्स बिकॉज इट्स नॉट अ नॉलेज गेम आई टेल एवरीवन इट्स नॉट अ नॉलेज गेम वरना आई वुड नॉट हैव बीन स्टैंडिंग आई एम हंड्रेड परसेंट श्योर मेनी पीपल हैव मोर नॉलेज देन मी हू है नॉट क्लियर दिस एग्जाम येट बिकॉज इट्स नॉट वॉट यू हैव इन योर ब्रेन इट्स वॉट यू आर प्रोड्यूसिंग ऑन द पेपर It also has to be aesthetically pleasant to read, and it should pop out what points you're writing. Ab commission ka underline box it. All your manat is lost if that guy doesn't read that point. Those things also matter. Us cheez pe हिस्ट्री में तो ज़्यादा ऑप्शन नहीं है हिस्ट्री uh, में इन जनरल टाइप का ही होता है ज़्यादा फर्क नहीं होता है बट आर्ट एंड कल्चर में फॉर एग्ज़ाम्पल आई विल ट्राई एंड लिंक इट विद करेंट अफेयर्स वेर एवर पॉसिबल तो फॉर एग्जाम्पल कोई साड़ी कोई हैंडलूम सम एग्ज़ाम्पल इज़ गिवन यू कैन ऑलवेज से वट ट्राइफेड इज डूइंग और वट नाफेड इज डूइंग काइंड ऑफ एग्जाम्पल अगर कोई गवर्नमेंट स्कीम्स है जो आर्ट एंड कल्चर को कोई प्रोमोट करिए तो उसका एक लिस्ट बना के रख लो कि कहीं तो यूज़ हो ही जाएगा करंटूट दैट्स वन थिंग इट मे नॉट नेसेसरली बी यूज बट हो जाता है कहीं ना कहीं देन जोग्राफी हो गया तो जोग्राफी में तो uh, you, अगर नॉर्मल डेफिनेशन मेरा क्वेश्चन है तो डाइग्राम वाइग्राम बना के सिंपल कंक्लूजन करना होगा बट लैंड स्लाइड ये सब हो गया तो वन लाइन ऑन सोल्यूशन टाइप से देट थिंग सोसाइटी में तो अगेन एग्जाम्पल लिखते हुए आई वुड कीप राइट ऑल दी एग्जाम्पल्स एक दो एग्जाम्पल्स में रख देती थी बाद में सजेशन रख देती थी बाद में उसको मैं कंक्लूज और उनको अंडरलाइन Yeah, thank you.